एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु सोरान स्वागत करती हूँ आपका लेसन ऋतु में। तो आज भाई आपकी क्लास जो है 5 या 6 मिनट की होगी और इतनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं कहूँ तो आपको 3 या 4 नंबर जरूर दिलाएगी कि 5 मिनट की क्लास आपको 3 या 4 नंबर जरूर दिलाएगी। मूल्यांकन और मापन ऐसे पॉइंट हैं दोनों ही अगर समझ आ गए तो मींस समझो चाहे 1000 क्वेश्चन आ जाए सोल्व कर दोगे। अगर नहीं समझ आए तो चाहे कितने ही क्वेश्चन सोल्व कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं समझ आने वाला। तो हमें क्या है, कंसेप्ट समझना है। तो मूल्यांकन क्या होता है, तो आप यहाँ देखिए, मूल्यांकन जो है एक ब्रॉड मीनिंग है, मूल्यांकन जो क्या है एक व्यापक मीनिंग है, व्यापक है। मापन इसका पार्ट है, एक पार्ट मापन होता है, एक पार्ट आकलन होता है। तो हम यहाँ मापन और मूल्यांकन को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि डिस्क्राइब उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन व्यापक क्षेत्र है, व्यापक कैसे है वो बताएंगे आपको। मापन क्या है, एक चर का मापन है, एक चर यानी कि एक गुण का मापन है। कैसे, जैसे हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, वो क्या है, मापन है। वो किस में आएगा, मापन में आएगा। बच्चों की हमने परीक्षा ली यानी कि हमने एग्जाम लिए, पेपर लिया हमने, वो क्या है, मापन है। क्योंकि वो सिर्फ कोग्नेटिव डेवलपमेंट को देख रहा है, कोग्नेटिव जो पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष है, सिर्फ उसी को देख रहा है कि बच्चे के कितने मार्क्स आए उसमें। ना तो ये ऐड हो रहा कि क्लास में वो उसका परफॉर्मेंस है वो कैसे रहती है, बाकी चीज़ों में कैसे इंटरेस्ट लेता है ना, बिहेवियर कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, कैसे वो टीचर से बिहेव करता है ना, क्या आपस में क्लास में कैसा नेचर है उसका, ये कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ और सिर्फ उसके मार्क्स होते हैं। अब मापन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके मार्क्स, यानी कि एक गुण का मापन हो रहा है उसको, उसने कितना पढ़ा बस उसका मापन हो रहा है, उसने पेपर दिया उसके नंबर आ गए, ओके इतना क्लियर है। लेकिन मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता, मूल्यांकन में सारी चीज़ें होगी, पेरेंट्स से भी रिव्यू लिए जाते हैं, टीचर के भी होते हैं, कैसा मतलब उसका रहता है वो, इनकी क्लीननेस कितनी है ना, पंक्चुअल है कि नहीं, डिसिप्लिन में कितना रहता है, सब चीज़ें मूल्यांकन में आ जाती है, क्लियर इतना। मापन के बाद की प्रक्रिया, मूल्यांकन जो होता है वो मापन के बाद की प्रक्रिया है और मूल्यांकन से पहले, मापन पहले होता है, मूल्यांकन बाद में होता है, ठीक है। मापन के बाद मूल्यांकन होता है, मापन जैसे हमने पहले पेपर लिए, अब पेपर लेने से पहले तो हम कुछ नहीं करते ना, मापन हमने लिया, पेपर हमने लिए, उसके बाद हम ये चीज़ें देखते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट किया, हर एक चीज़ के हम मार्क्स लगाते हैं ना, तो ये किस में आता है, आपका मूल्यांकन में आ जाएगा। और मापन क्या होगा, सिर्फ उसको नंबरिंग देना, ये किस में आएगा, यानी कि उसके टेस्ट लेना, उसको नंबरिंग देना, ये किस में आ जाएगा, यानी कि एक पक्ष का उसका मूल्यांकन करना, ये किस में आ जाएगा, मापन में आ जाएगा आपका, क्लियर है। भविष्यवाणी करना संभव नहीं है मापन में, और मूल्यांकन के बाद हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी कि जिस बच्चे का हमने मूल्यांकन किया, इसको हमने हर जगह ऑब्जर्व किया है, ओवरऑल उसको देखा है हमने, तो हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस बच्चे का इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। मान लो हमने मापन किया है, बच्चे का मापन हमने कर लिया, पेपर हमने ले लिया, उसके साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो ये रीज़न भी तो हो सकता है ना, अगर कोई दूसरा टीचर चेक करता है, बच्चे ने पेपर दिया, दूसरी क्लास का टीचर है वो चेक कर रहा है मान लो, तो उसके मार्क्स आ गए अच्छे, यानी कि 90 मार्क्स आ गए, तो मापन के हिसाब से तो वो ये कहेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में ये बच्चा अच्छा है, इसमें इसकी रुचि है, ये चल जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है उस बच्चे ने चीटिंग की हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है जो चीज़ उसको आ रही हो वही पेपर में हो, ऐसा भी हो सकता है ना, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो मीन्स मापन के बाद हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उसको हम रिलायबल नहीं मान सकते, लेकिन मूल्यांकन उसमें हर एक चीज़ को हम देखते हैं, बच्चों को हर टाइम ऑब्जर्व करते हैं, हमें पता है कि कौन कैसा है, हमें उनका नेचर कैसा वो करता है, चीटिंग करने वाला है कि नहीं, वो सब हम अच्छे से उसके बारे में जानते हैं। तो मूल्यांकन जो है वो भविष्यवाणी कर सकता है, हम बच्चे के बारे में अपने व्यूज दे सकते हैं। सीधे आधारित और अंक आधारित, ये होता है सिर्फ अंक आधारित, इसमें सिर्फ अंक दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं। स्थिति आधारित कैसे होगा, जैसे हमने डांस क्लास के लिए बच्चों को लेके गए, हम बेस्ट डांस करेगा, हम उसको कहते हैं वेल डन, या कोई हम प्राइज वगैरह देते हैं उसको, है ना, क्लैपिंग वगैरह करवा देते हैं, तो वो भी क्या है, मूल्यांकन हो रहा है उसको, उसको कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, लेकिन वो अंकों में तो नहीं दिया जा रहा ना, ऐसे तो नहीं उसके 10 में से 9 मार्क्स आए, डेली बच्चा जैसा बिहेव करता है हम उसके बारे में बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा अच्छा काम करता है, क्लास में हम क्लैपिंग करवाते हैं, ये कहना मानता है टीचर्स का, तो क्या उसको मार्क्स दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि ये मूल्यांकन हो रहा है उसका, मापन सिर्फ उसका, जहाँ हम नंबर दे रहे हैं, टेस्ट लिया हमने बच्चे का, हमने 10 में से 5 मार्क्स दे दिए, 10 में से 10 मार्क्स दे दिए, ये क्या है, मापन। लेकिन अदर चीज़ें उसकी देख रही हैं, वो किस में आएगी, आपकी मूल्यांकन में आएगी, बच्चे ने स्पीच दी बहुत अच्छी,
सबने क्लैपिंग की, अच्छी तारीफ की सबने, है ना, तो वो किस में आएगा, वो आपका मूल्यांकन में आएगा। यानी कि ये स्थिति पर आधारित होता है। गेम है, गेम में अलग टाइप से उसकी तारीफ होगी, यानी कि ठीक है उसको अलग स्थान मिल रहा है उस चीज़ को। जहाँ अगर उसने डांस किया है तो उसमें अलग चीज़ होगी, घर में वो अच्छा रह रहा है तो उसके लिए अलग चीज़ होगी। यानी कि उसको स्थिति के आधार पर जो है उसको आधारित है ये चीज़। एक क्या है इसमें, तथ्य यानी कि घटना का मूल्य याद किया जाता है, और इसमें घटना तथ्य के परिणामों के लिए प्रत्येक चिन्ह निश्चित किया है। वही बात आ गई, मार्क लिस्ट होती है उसमें हर एक चीज के लिए चिन्ह होते हैं मापन के। क्लास में अटेंडेंस कितनी रही है, नोटबुक कैसी है, हर एक चीज के लिए क्या है प्रतीक बना देते हैं हम, ABC डाल देते हैं, प्लस माइनस जो भी है वो हम डाल देते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, सिर्फ प्रतीक दिए जाते हैं, प्रतीक चिन्हित हो जाते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट बन गई भी पूरे साल की, बात खत्म। चाहे उसने चीटिंग की हो, चाहे उसने कैसे भी किया हो, चाहे उसको सिफारिश लगी हो, चाहे कोई भी तरीका हुआ हो, चाहे उसने सामने बुक खोल के देखी हो, चाहे उसने किसी बच्चे का देखा हो, कोई मायने नहीं रखता, इसमें सिर्फ चिन्ह हो जाएंगे भाई। यहाँ क्या है, मूल्य ज्ञात किया जाता है, यानी कि एक्चुअल में वो क्या है उस चीज़ को समझा जाता है। ठीक है, तो समझ आया मेरे हिसाब से, आपको क्लियर हो गया होगा। आज के बाद इसके बारे में तो कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं। तो और एक दिन हम उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण वो भी कर लेंगे, क्योंकि वो भी एक अच्छा सा पॉइंट है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, तो उसके बारे में हम करेंगे। तो चलिए भाई, लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।